पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शुएब अख्तर अपने बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं। अब शुएब अख्तर ने साल 2006 की बातों को याद करते हुए एक सनसनीखेज खुलासा किया है। साल 2006 में भारतीय टीम पाकिस्तान में टेस्ट और वनडे सीरीज खेलने के लिए गई थी। तीन मैचों के टेस्ट को भारतीय टीम ने 1-0 से अपने नाम किया था। दूसरी ओर 5 मुकाबलों की वनडे सीरीज को टीम इंडिया ने 4-1 से जीता था। शुएब अख्तर ने बताया कि टेस्ट मैच के दौरान उन्होंने एमएस धोनी को जानबूझकर गेंद मारी थी। शुएब अख्तर ने इसका खुलासा पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के शो के दौरान किया। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शुएब अख्तर ने साल 2006 का फैसलाबाद टेस्ट को याद किया और बताया कि धोनी को उन्होंने बीमर क्यों मारी थी। शुएब अख्तर ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में पहली बार किसी बल्लेबाज को जानबूझकर बीमर फेंकी थी, जिसके लिए उन्होंने धोनी से माफी भी मांगी थी। और फैसलाबाद में मैंने पूरे हाल में भी वो 8-9 ओवर का स्पेल किया था, तेज किया था, धोनी सो कर गया। फिर मैंने अपोलोजाइज किया, धोनी को जान के बीमर मारा मैंने, नॉट जान के बीमर मारी थी। तो अच्छा, वैसे जान के ये बीमर है, सारी वैसे जान की होती है, इसमें से कुछ ऐसी होती है हाथ से फिसल भी जाती हैं? मैंने जिंदगी में पहली दफा बीमर को जान के किया था। ओके, मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए, बड़ा रिग्रेट किया। खेल इतना अच्छा रहा था, विकेट भी इतनी स्लो मारी जा रहा है, जितनी तेज बॉलिंग जा रहा हूँ आगे से मारी जा रहा है, तो आई थिंक के फ्रस्ट्रेट हो गया था। भारत पाकिस्तान के बीच खेले गए उस मैच में एमएस धोनी ने 148 रनों की दमदार पारी खेलकर टेस्ट करियर में पहली सेंचुरी लगाई थी। इस पारी के दौरान एमएस धोनी ने 19 चौके और 4 छक्के मारे थे। बता दें कि अख्तर के एक ओवर में धोनी ने लगातार 3 चौके मार दिए थे, जिसके बाद शुएब अख्तर को काफी गुस्सा आया था और उन्होंने फिर धोनी को एक बीमर फेंक दी थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के शो के दौरान अख्तर ने पूरे किस्से को याद किया और कहा कि मैंने फैसलाबाद में 8-9 ओवर्स का एक स्पेल किया था और वो काफी अच्छा था और धोनी ने शतक जड़ दिया। मैंने धोनी को जानबूझकर बीमर फेंकी और फिर बाद में माफी मांगी। इसके अलावा पूर्व तेज गेंदबाज शुएब अख्तर ने कहा कि वो पहला मौका था जब उन्होंने किसी को जानबूझकर बीमर मारी, लेकिन साथ ये भी कहा कि उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। और फैसलाबाद में मैंने पूरे हाल में भी वो 8-9 ओवर का स्पेल किया था, तेज किया था, और धोनी सो कर गया। फिर मैंने अपोलोजाइज किया, धोनी को जान के बीमर मारा मैंने, नॉट जान के बीमर मारी थी। तो अच्छा, वैसे जान के ये बीमर है, सारी वैसे जान की होती है, इसमें से कुछ ऐसी होती है हाथ से फिसल भी जाती है? मैंने जिंदगी में पहली दफा बीमर को जान के किया था। ओके, मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए, बड़ा रिग्रेट किया। खेल इतना अच्छा रहा था, विकेट भी इतनी स्लो मारी जा रहा है, जितनी तेज बॉलिंग कर रहा हूँ आगे से मारी जा रहा है, तो आई थिंक के फ्रस्ट्रेट हो गया था। बता दें कि फैसलाबाद टेस्ट ड्रॉ रहा था। उस टेस्ट में पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने कप्तान इस्माम उल हक के 119 और शाहिद अफरीदी की 156 रनों की पारी के बदौलत 588 रन बनाए थे। भारत ने अपनी पहली पारी में 603 रन जुटा लिए थे, जिसमें एमएस धोनी की 148 रन जबकि राहुल द्रविड़ ने 103 रन की पारी खेली थी। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ की शतकी पारी की मदद से 490 रन बनाए थे, जबकि भारत दूसरी में मैच के बचे 8 ओवर्स में सिर्फ 21 रन बना सका। शुएब अख्तर इससे पहले भी काफी बयानबाजी कर चुके हैं, जिसके कारण वो चर्चा में रहते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध में लड़ना चाहते थे। वो ये भी बोल चुके हैं कि उन्होंने कारगिल युद्ध के कारण काउंटी क्रिकेट के भारी रकम वाले ऑफर को ठुकरा दिया था। खैर, अब देखना होगा कि धोनी पर किए गए इस खुलासे के बाद शुएब अख्तर को फैंस की कैसी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं।